व्हाट्सएप ने आधिकारिक तौर पर अपनी सर्विसेज की नई शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है। यूजर्स के पास मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर उस पर सहमति देने के लिए 8 फरवरी 2021 तक का समय है। अगर यूजर्स इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उन्हें व्हाट्सएप डिलीट करना होगा। भारतीय यूजर्स के पास पॉलिसी का पॉपअप आएगा जिसे उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। इसके लिए आप अग्री पर टैप करते हैं तो आप कंपनी की नई पॉलिसी को अपनी सहमति देंगे। कंपनी ने जो नई प्राइवेसी पॉलिसी पेश की है उसमें ये भी बताया गया है कि व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ कैसे काम करता है और कंपनी में इंटीग्रेशन ऑफर देता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी के हेल्प सेंटर पर जा सकते हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को डिटेल्स में बताया गया है कि किस तरह व्हाट्सएप फेसबुक के साथ जानकारी शेयर करता है। ये पहले के वर्जन में नहीं था। थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर्स में अब फेसबुक कंपनियों का नाम भी दर्ज है। कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा, कई बिजनेसेस अपने ग्राहकों और ग्राहकों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए व्हाट्सएप पर भरोसा करते हैं। हम उन व्यवसायों के साथ काम करते हैं जो व्हाट्सएप पर आपके साथ कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए फेसबुक या थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ग्राहकों को लेन देन डेटा, सेल गैजेट इन्फो, आईपीओ डील और डेटा शेयर करने के लिए सहमति देनी होगी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी में यूजर्स को जो लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं उसमें कहा गया है कि हमारी सेवाओं को संचालित करने के लिए आप व्हाट्सएप को जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, भेजते हैं या फिर प्राप्त करते हैं उनको यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले के लिए दुनिया भर में नॉन एक्सक्लूसिव, रॉयल्टी फ्री, सबलीसेंसेबल और ट्रांसफरेबल लाइसेंस दिया जाता है। अक्टूबर में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा था कि कंपनी मैसेंजर चैट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को मर्ज करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है ताकि वो एक तरीके से जुड़े इंटरऑपरेबल सिस्टम की तरह काम करना शुरू कर सकें। ये आपको व्हाट्सएप पर चीजों का भुगतान करने के लिए अपने फेसबुक पे अकाउंट को कनेक्ट करने की अनुमति देता है। साथ ही नए व्हाट्सएप अकाउंट को कनेक्ट करके आपको अन्य फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट्स जैसे पोर्टल पर अपने दोस्तों के साथ चैट करने की अनुमति देता है। वैश्विक स्तर पर करीब 2 बिलियन व्हाट्सएप यूजर्स हैं और भारत में 40 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय मार्केट में ही कंपनी ने व्हाट्सएप पेमेंट सर्विसेज लॉन्च की हैं। कंपनी ने भारतीय नियामकों से अब तक 20 मिलियन ग्राहकों के साथ रहने की अनुमति प्राप्त की है।